चार धाम को जोड़ने वाली 900 किलोमीटर इस परियोजना के निर्माण के दौरान सिलक्यारा सुरंग के धंसने से लगभग 41 मजदूर फंस गए थे। हालांकि रेस्क्यू टीम ने इनको निकालने का काम तीव्र कर दिया है, पर भारत अपने इतिहास से कभी कुछ सीखता नहीं है। जैसे इस सुरंग के दौरान कंपनी ने एस्केप रूट नहीं बनाया। भारत में इतनी ज्यादा मानवीय आपदाएं हुई है, भारत ने कभी भी उससे कोई सीख नहीं ली। वर्तमान सरकार की सराहना इस बात के लिए खुलकर की जानी चाहिए कि आजादी से लेकर अब तक सड़क परिवहन व्यवस्था की सबसे मजबूत स्थिति इसी सरकार के समय काल में देखने को मिली। इस सरकार ने सड़क परिवहन व्यवस्था को सुधारने के लिए जो कार्य किए हैं, उसकी सराहना उसी स्तर की होनी चाहिए जिस स्तर पर द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए उद्योगों के लिए की गई थी। मेरी नजर में ये दोनों ही माइलस्टोन हैं जो भारत को मिले हैं, चाहे वो उद्योग हो या सड़क परिवहन व्यवस्था हो। इसी सड़क परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए चार धाम कनेक्टिविटी प्रोग्राम लाया गया है, जिसमें चारों धामों को जोड़ने के लिए कई सारी रोड परिवहन व्यवस्थाएं की जा रही हैं। यमुनोत्री से लेकर धरासू तक 95 किलोमीटर, गंगोत्री से लेकर 124 किलोमीटर, धरासू से लेकर ऋषिकेश तक, ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, बद्रीनाथ, पिथौरागढ़, ये सब कनेक्टिविटी के लिए यह चार धाम जोड़ो परियोजना लाई गई। अब इसमें कई लोग ऐसे होंगे जो हिंदू धर्म से संबंधित नहीं होंगे, उनको ये लगेगा कि ये केवल हिंदुओं के लिए किया जा रहा काम है, क्योंकि अधिकांश जो हिंदू तीर्थ स्थल हैं वो उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या भारत के पर्वतीय प्रदेशों में स्थित हैं। मैं आप लोगों से इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये एक पहलू मान लो कि यह विशेष धर्म के चार धामों को जोड़ने के लिए परियोजना है, ये हो गई छोटी सोच। अगर यहाँ पर किसी विशेष धर्म का मस्जिद, क्रिश्चियन का मंदिर या किसी और धर्म का कोई भी देवी देवता होता तो भी उन्हीं के लिए प्रोसेस किया जाता। ये प्रोसेस क्यों किया जाता, आप थोड़ा ध्यान से सुनना और भारतीय होकर सुनना। ये कनेक्टिविटी इसलिए तो की जा रही है कि चार धाम को कनेक्ट किया जाए। इसके पीछे जो सबसे बड़ा जो मुझे तर्क लगता है वो है भारत की ये स्टैटिक लोकेशन। हमें मालूम है कि यहाँ बदमाश पाकिस्तान बैठा हुआ है, यहाँ पर चीन बैठा हुआ है। अब ये चीन और पाकिस्तान, निश्चित तौर पर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के पीओके में कुछ ना कुछ हरकतें करता रहता है। आपने चीन के बारे में सुना होगा, कभी वो अरुणाचल प्रदेश को अपने हिस्से में बताता है, कभी वो अक्साई चीन वाले एरिया में हरकतें करता है, कभी वो फिंगर टिप एरिया में हरकत करता है, कभी डोकलाम में हरकत करता है। ये तो आप लोगों ने न्यूज़ में सुना ही होगा अक्सर। अगर हमारी परिवहन व्यवस्था मजबूत नहीं होगी तो शायद है भारत का मैप ऐसा दिखाई दे। तो कल को अगर कोई ऐसी घटना होने के चांस हो कि पाकिस्तान और हमारा युद्ध हो, तो किसी प्रकार का एनिमेशन जो बाय रोड जा सकता था, उस बाय रोड एनिमेशन को बहुत जल्दी और तीव्र गति से पहुंचाया जाए, इस हिसाब से अगर सोचा जाए तो ज़्यादा सटीक बैठ रहा है, ना कि किसी एक विशेष धर्म के चश्मे को लेकर। वो भी गलत नहीं है, मैं उसको भी स्वीकार कर रहा हूँ कि उसके पर्पस पे ही किया जा रहा है और विशेष धर्म को उसमें लाभ होगा। पर अगर रोडें अच्छी नहीं बनाई गई पहाड़ी एरिया को काट कर, तो कहीं ऐसा ना हो कि चीन हमारा अरुणाचल प्रदेश हमसे छीन ले, कहीं ऐसा ना हो कि सिक्किम का फिंगर टिप एरिया हमसे छीन ले, कहीं ऐसा ना हो कि ये चिकन नेक एरिया डिस्टर्ब हो जाए। ये इसलिए हो सकता है क्योंकि रोड़ों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है इस क्षेत्र में। पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय का क्षेत्र है, भारतीय और यूरेशियन प्लेट टकरा रही है, अस्थिर क्षेत्र है, निर्माण की अवस्था में है यह है, तो यहाँ भूस्खलन होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। कभी कभी तो इस प्रकार से रोड़े ही धस जाती हैं भूस्खलन के दौरान, तो कैसे बताओ अगर आर्मी को जाना हो तो कैसे यहाँ तक जा सके। चलो हमें दर्शन करने जाना है, तीर्थ यात्रा पर जाना है, किसी विशेष धर्म के लोग जा रहे हैं तो वो तो पैदल पैदल भी निकल जाएंगे, आर्मी भी पैदल निकल सकती है, लेकिन जो टैंकर आ रहे हैं वो कहाँ से निकलेंगे, बड़े बड़े जो बारूद के गोले जो बॉक्स में होंगे वो कैसे जाएंगे, फिर उनको बाई एरोप्लेन ले जाना पड़ेगा, बाई हेलीपैड ले जाना पड़ेगा, तो भविष्य को देखकर वो इतनी मात्रा में नहीं जा पाएंगे। ऐसे सोचकर देखेंगे तो शायद है मेरी बातें आपको समझ में आएंगी। कभी कभी भूस्खलन ऐसा होता है कि बड़े बड़े पत्थर बीच में गिर जाते हैं और इन पत्थरों के गिरने से फिर इस रास्ते को साफ करना पड़ता है, तब तक जाम लगा रहता है, तो हमारी आर्मी अगर जाम में फंस गई तब क्या होगा, इस डायमेंशन में भी सोचा जा सकता है। नो डाउट पर्वतीय क्षेत्रों में टूरिज्म बढ़ाने के लिए कनेक्टिविटी की जा रही है, पर्वतीय क्षेत्रों में धामों को जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी की जा रही है, इससे तो मैं नकार नहीं रहा हूँ, मैं तो एक वो पहलू बता रहा हूँ जो हम सभी को एक साथ जोड़ने में मदद करेगा और किसी के अंदर द्वेष भावना नहीं आएगी।
एक विशेष चश्मे से मत देखो इस चीज को। अब प्रॉब्लम यह है कि जब इस प्रकार की कंडीशन होगी तो क्यों ना फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का प्रयास किया जाए और कुछ ऐसी रोड़े बनाई जाएं जिससे तीव्र गति से इन दुर्गम स्थानों पर सफर किया जा सके। फिर वो चाहे टूरिज्म हो, चाहे कोई धर्म विशेष का यात्री हो, चाहे फिर आर्मी का मूवमेंट हो, कैसा भी हो आराम से जाएं, कोई तकलीफ ना हो और भारत जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक जैसा जुड़ा हुआ दिखाई दे। यही एक कोशिश की जा रही है और इसी चश्मे से देखिए, मैं तो ये मानता हूं। पर इसके लिए जब रोड बनाएंगे, रेल बिछाएंगे, तो बीच में बड़े बड़े पहाड़ आएंगे, तो उन पहाड़ों को काटकर हमें बड़ी बड़ी सुरंगें बनानी पड़ेंगी। तो इस प्रकार से सुरंगों का काम चल रहा है और जब ये सुरंगें बनती हैं तो ये सुरंगें इस प्रकार से बनकर तैयार भी होती हैं। पर कभी कभी इतने बड़े बड़े आधारभूत संरचना बनाते समय मानवीय भूल की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से यह भी देखा गया है कि बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। जैसे कि अभी उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आपने सुना है कि वहां पर एक सुरंग में 40 से 41 लोग फंस चुके हैं। ये उसका चित्र है जिसमें से हवा उनको अंदर भेजी जा रही है, उनको खाना पानी भी भेजा गया है। 8 से 10 दिन वो लोग फंसे हुए हैं और जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तभी भी फंसे हुए हैं। और जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 7 मीटर की दूरी रह गई है हमारे मजदूर भाइयों से। और ये हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हों तब उस समय हम सभी लोग और उन मजदूरों के परिवार वाले ये खुशियाँ मना रहे होंगे कि ये वो लोग साकुशल वापस आ गए। और इसमें जो रेस्क्यू टीम लगी हुई है उनको मैं पहले से बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करता हूँ। आपकी मेहनत और आपके जज्बे को सलाम है और आपने सच में शब्बासी वाले काम किए हैं। तो फिर डांटने वाले काम या आलोचना वाले काम किसने किए हैं, किसकी गलती मानी जाइए? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जब सुरंग बनती है, आधारभूत संरचना बनती है, तो उसमें पर्यावरण को भी नुकसान होगा, उसमें जनजीवन को भी नुकसान होगा, जनधन की भी हानि होती है, इससे नकारा नहीं जा सकता। ऐसा थोड़ा कि केवल भारत में ही सुरंग बनी और गिर गई। यूरोप में रोम में सुरंग बनते समय गिरी, कई लोगों की मृत्यु हुई, वो तो हमसे बहुत आगे हैं। ऐसी ही कई ऐसी घटनाएं हुई हैं कि वो ह्यूमन एरर से हो सकती हैं, पर कमाल की बात यह है कि उनकी जो घटनाएं हैं वो बहुत कम होती हैं और वो घटनाओं से सीखते हैं। भारत की क्या समस्या है कि भारत अपनी घटनाओं से सीखता नहीं है। हम लोग भूल जाते हैं क्योंकि एक थ्योरी होती है इकोनॉमिक्स में कि जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसकी कीमत कम हो जाती है। जैसे लोहे की मात्रा ज़्यादा है तो लोहे की कीमत कम होगी और सोने की मात्रा कम है तो उसकी कीमत ज़्यादा होगी। ऐसे ही डायमंड वाटर पैराडॉक्स होता है। अभी पानी ज़्यादा है, हीरे कम है, तो हीरे की कीमत ज़्यादा हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि पानी कम होगा, हीरे ज़्यादा होंगे, तो पानी की कीमत ज़्यादा हो जाएगी। तो मात्रा पर निर्भर करता है। अब यूरोप में लोग कम हैं तो जान की कीमत ज़्यादा है, भारत में लोग ही लोग हैं तो यहाँ जान की कीमत हो ही नहीं सकती है। हम जनसंख्या, देखिए जनसंख्या वृद्धि समस्या नहीं है, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि समस्या है। जब हम इस चीज को समझ लेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जनसंख्या वृद्धि से मानव संसाधन विकसित होते हैं और देश आगे जाता है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से केवल भीड़ बढ़ती है और संसाधन गलत दिशा में दोहित होते हैं और हमारा देश खत्म हो जाएगा। तो इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए और उसका क्या प्रारूप होना चाहिए, उसका वीडियो मैं आपको एक बनाकर दूंगा, तो शायद आपको मेरी बातें समझ में आए, फिर इसमें सभी धर्म के लोगों को अच्छा भी लगेगा और मेरी बातें चुभेंगी भी। अब जब हमें मालूम है भारत के कंडीशन में ये जो सुरंग बन रही है कि जो हमारा हिमालय है वो अस्थिर है, माने दो प्लेटें टकरा रही हैं और दोनों प्लेटों के टकराने से ही इस हिमालय का निर्माण हुआ है, ऐसा भी माना जाता है कि वो दोनों प्लेटें अभी भी टकरा रही हैं और हिमालय अभी भी बन रहा है। अब जो चीज़ बन रही है, ऊपर उठ रही है, तो बन तो वो चट्टानों से रहा है, तो जब कोई चट्टान ऊपर जाएगी तो संभावना है कि वो चट्टान नीचे भी आ जाए, और जब कोई चट्टान नीचे आती है या मलबा नीचे आता है तो उसे भूस्खलन कहा जाता है। तो यही शायद इस सुरंग में भी हुआ होगा और वही हुआ है कि अस्थिरता की वजह से, संवेदनशीलता की वजह से, वल्नरेबिलिटी की वजह से ये हो गया। पर इसमें दोष किसको दिया जाए? दोष उसको देना चाहिए जो इंजीनियर जांच कर रहा था, या तो वो अयोग्य है या वो चीज़ों को समझ नहीं पाया, दोनों ही कंडीशन में उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये लोग मर जाते तो आप यकीन मानो हम इनको भी भूल जाते जैसे कि हम भूलते हुए आए हैं। तो दोष तो देना पड़ेगा और सबसे ज़्यादा दोष उस ठेकेदार या उस कंपनी को मिलना चाहिए जिसने टेंडर लिया है, और ऐसी कड़ी कार्रवाई करने के प्रारंभ करना चाहिए राजनीति से परे, क्योंकि ऐसा होता नहीं है।
बिल्कुल नहीं होता। एक राजनीति से परे इतनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी संपत्तियां कुर्क होनी चाहिए, इन्हें जीवन का महत्व पता चलना चाहिए। पर भारत का बड़ा दुर्भाग्य कि ऐसा हो नहीं पाता। ये जो ये चार धाम कनेक्ट हो रहे हैं, 900 किलोमीटर लंबे चार धाम की परियोजना है जिसको 53 हिस्सों में बांट दिया गया था। और इस 53 हिस्सों के बांटने के दौरान हमारे इंजीनियरों ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कहीं कहीं हमसे गलतियां भी हुई हैं, इन गलतियों को नकारा नहीं जा सकता। 4.5 किलोमीटर लंबी इस सिलक्यारा सुरंग में, जो सुरंग ये टूट रही है, इसका नाम सिलक्यारा सुरंग है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में है, बचने का रास्ता नहीं था। यानी कि रेस्क्यू नहीं, कोई होता क्या है कि सुरंग 3.5 किलोमीटर तक रहती है तो भी उसमें एक रेस्क्यू मार्ग रहता है। ये 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग में भी एक रेस्क्यू का मतलब दूसरा रास्ता, अगर ये नहीं तो दूसरे रास्ते से निकलेंगे। तो बनाने वाली कंपनी ने दूसरा रास्ता क्यों नहीं बनाया? उसका सीधा सा जवाब है, पैसा बचाना चाह रहे थे। तो बाकी लोगों ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जो और प्रोजेक्ट पे काम चल रहे थे? सीधी सी बात, उनकी जेब में पैसा गया होगा, मैं आरोप लगा रहा हूं। तो सरकारों ने ध्यान क्यों नहीं दिया? तो हो सकता है कि कुछ मंत्री ऐसे होंगे जिन्हें उसमें लाभ दिख रहा हो, भाई पैसा बचेगा तो सब में बटेगा ना, उन्हें ये क्या मालूम था कि ये ऐसा हो जाएगा। अगर ये नहीं गिरती तो जो स्केप वाला पैसा है वो बच गया, प्रोजेक्ट का कम कीमत लगा तो पैसा जेब में जाएगा, जान की कीमत है किसको? और मेरा एक बात ये मानना है, मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से बोलना चाह रहा हूं कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, जब सुरंग में यह हादसा हुआ तो देश के मुखिया की जरूरत सबसे ज्यादा इस मजदूर वर्ग को ही है, और ये वही मजदूर वर्ग हैं जो आपको ऐसी सुरंग बनाकर देते हैं जिसमें आप अपना फोटो सेशन करा सकते हैं। आप फोटो सेशन इन्हीं सुरंगों में करा रहे हैं, और जब इन मजदूरों को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आप चुनाव की रैलियों में इस प्रकार से रोड शो कर रहे थे। मेरा ये मानना है कि भारत का प्रधानमंत्री एक निष्पक्ष पद होना चाहिए, ना वो किसी पार्टी का होता है, ना वो किसी धर्म का होता है, ऐसे ही राज्यों के मुख्यमंत्री के लिए भी होना चाहिए। और अगर आप सभी लोग मेरी बातों से सहमत हैं तो ये सहमति जताइए, क्या भारत के प्रधानमंत्री या भारत के मुख्यमंत्री को इस प्रकार के रोड शो बंद कर देने चाहिए? क्या रोड शो या किसी पार्टी का प्रचार भी लाभ की क्रिया मानी जानी चाहिए? क्योंकि ये लोग लाभ के पद पर नहीं रह सकते। जिस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति न्यूट्रल हैं, ऐसे ही भारत के प्रधानमंत्री न्यूट्रल क्यों नहीं रह पा रहे हैं? मैं इन प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी सभी प्रधानमंत्रियों ने ऐसा किया। कोई भी दूध का दुला नहीं है, कोई भी राजनीतिक पार्टी का मुख्यमंत्री दूध का दुला नहीं है, सब अपना फायदा देखते हैं। तो यदि किसी को फायदा रैली करने में लग रहा है तो रैली करेगा, किसी को फायदा लग रहा है कि नहीं वहां जाके मैं फोटो सेशन करूंगा और लोगों की सिंपैथी जीत दूंगा तो वो लगेगा। आपका क्रिकेट मैच में आने से ज्यादा जरूरी था कि आपको सुरंग में जाकर लोगों की हेल्प करनी चाहिए थी। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, और ये मैं प्रधानमंत्री पद के लिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं प्रधानमंत्री पद का सम्मान करता हूं, किसी व्यक्ति का नहीं। मेरे लिए पद ज्यादा सम्माननीय है। पर कई ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्माननीय रहे हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी। वो भले ही प्रधानमंत्री ना हो लेकिन उनको व्यक्ति के रूप में उनके पैर छूने का मन करता है। लाल बहादुर शास्त्री अगर होते, मैं उनको देख पाता तो मैं उनके पैर छूता। राष्ट्रपति के तौर पर एपीजे अब्दुल कलाम, भले ही वो राष्ट्रपति नहीं है, वो अब हमारे बीच में भी नहीं, फिर भी मैं उनके पैर छूता। पर और जो राष्ट्रपति हुए हैं पता नहीं क्यों वो मुझे राष्ट्रपति जैसे फील नहीं करते, लेकिन मैं पद का सम्मान करता हूं। आज हमारे वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं उनका सम्मान करता हूं पद का, और व्यक्तिगत तौर पर भी उनका सम्मान करता हूं। तो ये चीजें हमें थोड़ा सा राजनीति से परे हमें सोचने की जरूरत है। अब इसमें कहीं बोलेंगे तुम शिक्षा को, तुमको इससे क्या लेना देना, तो किसको लेना देना होगा ये बताओ? अगर एक शिक्षक ही सही रास्ता नहीं दिखाएगा तो तुम्हें रास्ता दिखाने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आएगी, टेलीग्राम आएगा, यूट्यूब आएगा, या फिर इंस्टाग्राम की रील्स आएंगी। ये तो मक्कारों वाली बात हो गई कि हम कुछ सही बोला जाए तो वो भी गलत लगे, और मेरी नजर में वो सबसे बड़ा कायर है जो अपनी आलोचना नहीं सुन सकता। मेरी नजर में वो सबसे बड़ा कायर है जो जनता के जवाबों का सामना नहीं कर सकता। उससे बड़ा बुजदिल कोई हो ही नहीं सकता, मैं तो ये स्पष्ट बोल रहा हूं। अब जो निर्माण कंपनी के लिए सवाल यह है कि क्यों नहीं बना था एस्केप रूट, तो इस पर जांच क्यों नहीं होगी? अब क्या ड्रामा होगा? जांच हो रही है, कमेटी बैठा दी गई है,
अरे हम कुछ सीखते क्यों नहीं, हम सिंड्रोमा सिंड्रोमा कॉन्सेप्ट पे क्यों चलते हैं। सिंड्रोमा सिंड्रोमा एक करेक्टर है जिसके हाथ में चप्पल है, कांटों के रास्ते पे चल रहा है, वो इतना गधा है कि जब कांटा लगता है तभी वो चप्पल पहनता है। यानी जब कोई घटना होती है तभी हमें कमेटियां, तभी हमें समाचार, तभी हमें दुर्घटनाएं, तभी हमें सद्भावना फलाना ढिकाना ये सब याद आता है और 5 दिन बाद भूल जाते हैं, जैसे भूलते हुए आए हैं। उदाहरण के तौर पर समझिए, उपहार सिनेमा हादसा 1997 में हुआ, क्या हुआ इसमें 59 लोग मारे गए, तो किसकी गलती थी? जो मैनेजमेंट है उसको गलती दी जाए, प्रशासन है उसको गलती दी जाए, शासन है उसको गलती दी जाए। गलती खोजने में 20 साल लग गए, 20 साल के बाद न्याय मिला, क्या करेंगे ऐसे न्याय का। तो जब ऊपर से लेकर नीचे तक सब करप्ट हैं तो फिर यही स्थिति होगी, हमने कुछ नहीं सीखा। तो जैसे हम उपहार सिनेमा का ये घटना भूल गए, ऐसे कुछ समय के बाद हम ये सुरंग की घटना भूल जाएंगे। अच्छा ये लोग नहीं मरे, वो तो वैसे भी याद नहीं रहने वाला है, बस इसमें फोटो सेशन होगा, अखबार में आएगा, काम खत्म, तारीफ लेके निकल जाएंगे लोग। इसके अलावा यूनियन कार्बाइड कितनी बड़ी घटना हुई थी, कांग्रेस सरकार रही उस समय, और जिसने ये घटना का जिम्मेदार था, जो उसका मालिक था, उसको निकाल दिया गया कुछ करोड़ रुपए लेकर। पर जिनकी जिंदियां गई क्या उनको मुआवजा दे के आप भुगतान कर सकते हो क्या? आपको एक 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 ट्रेडमार्क सेट करना था कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, जबकि इसने कोई भी सुरक्षा के उपकरणों का उपयोग नहीं किया और पूरे सभी सुरक्षा के मानकों की इसने धज्जियां उड़ा दी थी, तब ये हालात थी। यहां से हम लोगों ने कहीं भी आप उठा के देख लो, हमने कुछ सीखा ही नहीं है, वो घटनाएं होती ही चली जा रही हैं। रेल की घटनाएं निरंतर हो रही हैं, हम बस सद्भावना देते हैं, हम कमेटी बैठाते हैं, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि काम करने की मंशा है ही नहीं। मोरबी पुल हादसा हुआ 2022 में, 140 लोग मारे गए, क्या हुआ भूल गए हम लोग। जोशीमठ में क्या हो रहा है भूल गए हम लोग। हिमाचल में फ्लड आया, चलो ये प्राकृतिक घटना है, पर उन घटनाओं को इंटेंसिटी कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं भूल गए हम लोग। सिक्किम में बाढ़ आई भूल गए हम लोग। फ्लश फ्लड आया भूल गए हम लोग। लैंडस्लाइडिंग होती है लोग मरते हैं भूल गए हम लोग। विकास जरूरी है, लेकिन हम सब इन मानव निर्मित आपदाओं से कैसे बचें इसके ऊपर हम सब लोगों को सोचना होगा। हम सब लोगों को धर्म के ऊपर उठकर सोचना होगा, जाति के ऊपर उठकर सोचना होगा, पार्टीगत विचारों के ऊपर उठकर सोचना होगा, क्योंकि जब मानव ही नहीं बचेंगे तो काहे की पार्टी, काहे का धर्म, काहे की जाति और काहे का कोई व्यक्तित्व। कम से कम इन मुद्दों पे तो हम साथ आ सकते हैं ना, ये तो मानवीय मुद्दे हैं। इसमें कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन स्वर्ण, कौन दलित, कौन एसटी, कौन एससी, मर तो सभी रहे ना। तो फिर चाहे पार्टी आपकी हो चाहे दूसरे की हो, हमारी गलती है कि हम पार्टी को अपने माँ बाप से ज्यादा इज्जत देने लगते हैं, नेताओं को अपना भगवान अपना माई बाप समझने लगते हैं, और वो आपको कुछ नहीं समझते। जीवन का नियम है, अगर आप किसी को कुछ नहीं समझे तो वो तुम्हें जरूर भाव देगा, और तुम लोग वही कर रहे हो। अरे कोई भी हो, हमारे क्षेत्र का छोटा सा पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, अगर ये लोग चुनाव हमसे वोट मांगते हैं ये कहते हुए कि हम आपके सेवक हैं, तो इनको सेवकों की तरह ही ट्रीट करो, राजा क्यों बना रहे हो? आप यकीन मानो अगर हम लोग ये सब करने लगे तो 5 साल में देश जाने कहां से कहां पहुंच जाएगा, अन्यथा ये घटनाएं निरंतर चलती रहेंगी और हम जैसे पागल ये वीडियो निरंतर बनाते रहेंगे और आप लोग निरंतर इसी प्रकार से आलोचनाएं करते रहेंगे, क्योंकि हमको अपना स्वार्थ ज़्यादा दिखता है समाज का नहीं, हमको अपनी पार्टियां अपने नेता ज़्यादा प्यारे हैं, समाज नहीं, भारत नहीं, हमारा देश नहीं। शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। जय हिंद, जय भारत।